लाइट वाइट बंद करके ना और लाइट ऑन करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं तो सोकर उठ गई हूँ और डेली ना मैं अम्मा की, जब अम्मा पूजा करती है ना सुबह सुबह, अम्मा जब मंदिर में घंटी बजाती है ना, आंख तो मेरी जब भी खुल जाती है सुबह सुबह, जब पूजा करती हो ना, जब घंटी बजाती हो, मैं जब भी उठ जाती हूँ बस सोने की एक्टिंग करती हूँ। गाइस अम्मा ना डेली भाई सुबह जल्दी उठती है, सुबह 6 बजे, और अम्मा 7 बजे तक नहा लेती हैं, पूजा वूजा कर लेती हैं, और हमारी गर्मा गर्म मस्त अदरक वाली चाय रेडी है। क्या लौंग इलायची अदरक सब डाला, अदरक डाले ना कूट के। मैं जल्दी से कपड़े दिया हूँ मम्मी को, मम्मी कपड़े सुखा रही है। ये देखो गाइस, कल हमारे कपड़े नहीं सूखे थे तो आज मम्मी ने सारे कपड़े सुखा दिए, और ये दोनों रस्सियों पे हमारे ही कपड़े सूख रहे हैं। मम्मी अगर दोपहर में दोबारा बारिश आ गई फिर उतार लेंगे, कमरे पर डाल देंगे, फिर लेके भागो, यही करते हो पूरा दिन। अभी सारे थोड़े थोड़े गीले, ज्यादा गीले नहीं है, हल्की सी हवा लगेगी सूख जाएंगे। अभी सुखा रहे ढंग से, फिर बारिश आएगी 2 मिनट नहीं लगेंगे उठार के, उतारे फिर अब फिर डालें, बार बार उतारना पड़ेगा। चाय बन गई है, जल्दी जल्दी करो। तो गाइस ब्रेकफास्ट रेडी है, और आज ना तो दीदी है ना वंश है हमारे साथ, क्योंकि दीदी और वंश आए नहीं, दूसरे वाले घर पर है। मैं, बुआ, प्राची और मम्मी, हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आज बुआ ने बनाए गर्मा गर्म मोटे मोटे आलू के पराठे और साथ में मिर्च का अचार। बोल रही हूँ कि मूली के पराठे खाने हैं मुझे। क्या मूली के पराठे? मूली के पराठे याद कर रही है ये? मूली अभी पराठे वाली नहीं आ रही है, वो हाँ। आ रही है छोटी छोटी भुजिया बनाते हैं। हाँ, वो अभी सर्दी आ जाएगी ना, जब आएगी बड़ी बड़ी मूली उसके बनेंगे पराठे। मोटी वाली मूली के पराठे, मोटी वाली मूली होती है उसके पराठे अच्छे बनते हैं, पतली वाली घिसी नहीं जाती ना। मूली के अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता, वो तो मैं सर्दी में बनाती हूँ। हाँ, अभी दिवाली बाद बहुत मूली आएगी, रोज आया करेगी हमारे घर में इतनी सारी, तब मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो भैया को भी पसंद है ना। तो गाइस हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और गाइस आज है ना हमें गणेश जी को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें परसों की स्थापना करनी है ना। आज कितनी तारीख है? आज 14। तो कल करनी है हमें, मतलब तो कल हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, तो आज पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे हमें। और ये देखो गाइस, वंश ने ना मंदिर बनाया था गणेश जी के लिए, तो वंश ने इसको डेकोरेट किया था ना, तो ये जो वंश ने ब्लू कलर की लाइट लगाई है ना, ये दीदी को और मेरे को पसंद नहीं आ रही है। दीदी कौन से कलर की बोल रही थी तुम लाइट? येलो या वाइट। येलो या वाइट, हाँ, क्योंकि रेड कलर का इस पे कवर चढ़ा हुआ है ना। नहीं, घर में ये रखी थी तो मैंने लगा दी, तो वंश ने भी मेहनत करी है। एक बार जला के दिखा, जल रही है? तो वंश ने तैयार करा है गणेश जी के लिए छोटा सा मंदिर। वंश ये क्या बनाया तूने? इस पे हम कुछ सजाने के लिए यहाँ पे फ्लावर वगैरह रखेंगे। अच्छा, तो और हम जो हमारे गणेश जी बैठेंगे यहाँ पे, गणेश जी आएंगे है ना। हाँ। और वो जो हम थाल वगैरह सजाएंगे ना, उसको तो बाहर ही रखेंगे हम। हाँ। क्योंकि ये वो है ना नीचे गत्ता है, फॉर्म वगैरह का बना है। हाँ, तो वंश ने मंदिर तो कम्प्लीट कर दिया है, अभी इसमें और कुछ काम बाकी है। हाँ, फ्लावर वो जो होता है ना, डेकोरेशन वाले फ्लावर आते हैं फेक, मतलब वो जो प्लास्टिक के होते हैं, वो सजाएंगे हम यहाँ पे। और गाइस अगर आज गणेश जी कंप्लीट हो गए ना, अगर उनपे कलर वगैरह और डेकोरेशन हो गई, तो आज शाम तक हम उनकी स्थापना कर देंगे, तो बहुत मजा आएगा। तो मैं जल्दी से नहाकर आ जाती हूँ, उसके बाद हम गणेश जी पर कलर करने के लिए बैठेंगे। तो आज शाम तक हम उनकी स्थापना कर देंगे, तो बहुत मजा आएगा। तो मैं जल्दी से नहाकर आ जाती हूँ, उसके बाद हम गणेश जी पर कलर करने के लिए बैठेंगे। तो गाइस मैं तो नहाकर आ गई हूँ, और अब मैं खा रही हूँ खाना। आज बुआ ने खाने में बनाई है उड़द की दाल की खिचड़ी, तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे गणेश जी पर कलर करने। तो गाइस मैंने तो खाना खा लिया है, अब दीदी और मैं जा रहे हैं ऊपर गणेश जी पर कलर करेंगे, और आज फाइनली उनको पूरा कम्प्लीट कर देंगे। तो हमारे गणेश जी ना कल इतने कंप्लीट हो गए थे, इनकी धोती चुन्नी पे और फेस कलर, आईज वगैरह सब बन गई थी, तो आज इनकी पगड़ी में भी करनी है और पूरा कंप्लीट करना है आज इनको।
गाइस फाइनली हमारे गणेश जी कंप्लीट हो गए हैं और ये देखो गाइस डेकोरेट होके कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इन पे पूरे पे कलर हो गए और डेकोरेट किया है दीदी ने, कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने एक मिट्टी से गणेश जी बनाए हैं दीदी ने, इतना अच्छा डेकोरेट किया है इन्हें, इतने अच्छे इन पे कलर करे हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं पूरे रेडी होकर। अभी मेरे को इनका दरबार भी सजाना है, अभी बहुत काम है, तो अभी चलो नीचे चलते हैं, मम्मी ने चाय बना रखी है, चाय पीकर फिर इनका मैं दरबार सजाऊंगी। गाइस शाम के 5 बज गए हैं और टाइम भाई ज्यादा हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से दरबार सजा रही हूँ। तो मैं ये देखो पेपर लेकर आई हूँ, ये देखो हम गणेश जी की स्थापना यहाँ पर करेंगे, तो मैं ये न्यू पेपर लेकर आई हूँ, मैंने पटिया पे लगा दिया है और यहाँ पे लगाना रह गया है बस, तो जल्दी जल्दी से मैं दरबार सजा देती हूँ। और अभी मेरे को चौकी पर भी पेपर लगाना है। मैंने पेपर तो लगा दिया है, अब बस ये चौकी रह गई है, चौकी पे जल्दी से पेपर लगाते हैं, उसके बाद गणेश जी को अपने घर लेकर आएंगे। चौकी भी रेडी है और दरबार पूरा रेडी है, बस वंश लगाएगा अब लाइट, क्योंकि लाइट से थोड़ा अच्छा लगेगा ना, फिर जल्दी से हम जल्दी जल्दी से सारी तैयारियां पूरा दरबार सजा दे, उसके बाद हम पप्पा को अपने घर लेकर आएंगे। गाइस लाइट लगाने के लिए ना हमें कील ठोकनी पड़ेगी, फिर इसमें लाइट हम लगाएंगे, तो हमारे पास भाई हथौड़ी मिल ही नहीं रही है। और अभी जल्दी जल्दी में मैं सारा काम कर रही हूँ दरबार सजाने के लिए, तो पता नहीं ये क्या है, मुझे तो पता नहीं, मैं इससे ही कील ठोक रही हूँ, इससे तो कील भी नहीं ठुक रही भाई। गाइज इससे तो कील भी नहीं ठुक रही भाई, इतनी मुश्किल से ठोक रही हूँ मैं। गाइज वंश और मैं ना भाई बहुत देर से लाइट लगाने में लगे हुए हैं, सिर्फ इतनी सी लाइट लगानी है हमें ऐसे करके, और भाई कील नहीं ठुक रही है हमसे, कील बार बार मुड़ जाती है, लग गई। तो एक बार जला के तो देख ले वंश, हम लगा रहे हो और जल नहीं रही हो, जला के देखते हैं, ओ भाई जल रही है, अच्छा लग रहा है। गाइज फाइनली हमारा पूरा दरबार सजा दिया है हमने वंश और मैंने मिलके, और देखो हमने लाइटिंग की है, वंश एक बार लाइट बंद कर, देखना कितना प्यारा लगेगा, लाइट वाइट बंद करके ना और लाइट ऑन करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना वंश लाइट बंद करके। तो हमने अपना दरबार भी सजा दिया है, फाइनली दरबार तो हमने रेडी कर दिया है। और गाइस हमें ना तैयारी करते करते बहुत टाइम हो गया है, तो शाम के 7 बज गए हैं और अम्मा कह रही है कि ये टाइम नहीं होती स्थापना करने की गणेश जी की, तो हमने सोचा है कि ना हम कल ही करेंगे, कल सुबह नहा धोकर अच्छे से सुबह गणेश जी की स्थापना करेंगे, है ना वंश? और अभी थोड़ा हम और डेकोरेट करेंगे। हाँ सुबह सही भी लगेगा और अब टाइम भी ज्यादा हो गया है ना, तो सुबह ही करेंगे।
तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।